कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और जैसा कि हमने आपसे वादा किया कि हम जो है अब प्रतिदिन आपके लिए प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित और मोटिवेशनल, यानी कि आप लोगों को मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत ही मजबूत बनाने के लिए प्रतिदिन कुछ न कुछ बताते रहेंगे आप लोगों को। हमारा उद्देश्य है कि आप लोग जो है लगातार, यानी कि कंसिस्टेंसी जो है, ये किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए निरंतरता, करत करत अभ्यास ते जड़ मत होत सुजान, करत करत अभ्यास ते जड़ मत, जो बुद्धि है जो बिल्कुल जड़ हो गई है, जो रूट बुद्धि है, जो बिल्कुल जो है एक तरीके से मैं कहूँगा कि बिल्कुल मंद बुद्धि है, वो भी सुजान, जान में भी सुजान, मतलब सुजान शब्द का मतलब क्या है कि जड़ मत होत सुजान, मतलब उस व्यक्ति को सारी जानकारी, सुजान सारी जानकारी, और रसरी आवत जात ते सिल, रसरी रस्सी, आवत जात सिल पर, सिल पत्थर पर परत दिशा। तो बहुत ही प्राचीन और बहुत ही बेहतरीन कहावत है, आप लोग सभी जानते हैं इस चीज को। हम जो है निरंतरता को त्याग देते हैं, अध्ययन करते समय हम निरंतरता को त्याग देते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम किसी भी चीज का अध्ययन करें, अगर अखबार का भी अध्ययन करें, तो ये नहीं कि पूरा अखबार पढ़ लिया ना, उसमें से वो शब्द चयनित किए, वो शब्द सिलेक्ट किए, वो शब्द निकाले ना शब्द छाटे जो कि विशिष्ट रूप से प्रयुक्त हुए हैं और जो कि वास्तव में जिनका मीनिंग, जिनका अर्थ या जिसकी समझ हमको जो है विकसित करनी है। तो आप कहते हैं कि हम तो पर डे अखबार पढ़ते हैं। नहीं दोस्त, पर डे अलग अलग प्रकार के अखबार ना पढ़ के अगर एक ही अखबार को कम से कम 2 या 3 दिन पढ़ा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। हमारा उद्देश्य अपनी समझ को विकसित करना है, अपनी भाषा शैली को जो है ना मजबूत बनाना है, अपने शब्द कोश में बेहतर से बेहतर शब्दों को शामिल करना है, परिष्कृत करना है, अपने आप को परिमार्जित करना है। अगर हमारा हिंदी शब्दकोश भी बहुत मजबूत होगा तो मैं आप लोगों से ऐसा वादा करता हूं और ये दावा भी करता हूं कि लोक सेवा आयोग द्वारा कंडक्ट किए जाने वाली परीक्षाएं, चाहे वो स्टेट लेवल पर हो यानी कि राज्य स्तर की परीक्षाएं हो, चाहे वो केंद्रीय परीक्षाएं हो, जैसा कि आप लोग जानते हैं संविधान के अनुच्छेद 308 से लेकर के और 323 तक लोक सेवा आयोग का गठन, लोक सेवा आयोग के सदस्य, इनकी योग्यताएं, चयन, ये सारा विवरण संविधान में दिया गया है। तो आयोग जो है हमारा, लोक सेवा आयोग है, एक संवैधानिक संस्था है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड भी है। और मेरे प्यारे बच्चों, हम आप लोगों को एक बात और बता दूं कि हमारा जो परिवेश है बहुत ही ग्रामीण परिवेश है और हमको बहुत ही जल्द, जैसे ही हमारी उम्र 18, 19 साल की, 20 साल की होती है, तो हमारे परिवार का जो दबाव है, जो प्रेशर है, जो सामाजिक दबाव है, जिसमें हमारी जिम्मेदारियां हैं, जिसमें हमारे भाइयों की शादियां हैं, बहन की शादियां हैं और पिताजी की दवाइयां हैं, क्योंकि हम लोग जिस परिवेश से आते हैं वो बहुत ही ग्रामीण परिवेश होता है, बहुत ही गरीब परिवेश होता है,
और उस परिवेश में आकर के हमारे ऊपर बहुत ही जल्द आर्थिक दबाव आ जाता है। तो उस आर्थिक दबाव को कैसे पजेस करना है, कैसे उसको सहन करना है, कैसे उस बिंदु पर उस स्थिति में हमको तत्काल किसी न किसी छोटी ही सही लेकिन कोई न कोई एक नौकरी को प्राप्त करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। और उसके बाद में जब आप उस जॉब में सेलेक्ट होने के बाद जब तैयारी करते हैं, सेलेक्ट होने के बाद जब तैयारी करते हैं आप, तो जो है आपको आर्थिक रूप से कुछ सहायता मिल जाती है, परिवार आपका थोड़ा चिंता रहित हो जाता है। तो साथियों, हमारा उद्देश्य भी यही है कि हमारे पास कोई ऐसी कैपिटल नहीं है, कोई ऐसी पूंजी नहीं है, कोई हमारे पिताजी के पास ऐसी इतनी दौलत नहीं है जिससे कि कोई हम बिजनेस या कोई स्टार्टअप प्रारंभ कर सकें। तो एक बचता है कि साहब एक छोटी सी एक नौकरी, एक जॉब, एक 25-30 हज़ार रुपये सैलरी की एक नौकरी मिल जाए जिससे कि फिर जो ऊंचाइयां हमको हासिल करनी है वो इस माध्यम से हासिल की जाए। तो हमारा आज के वीडियो बनाने का उद्देश्य जो है, हिंदी चूंकि हमारी चल रही है उसमें कुछ शब्द शामिल करेंगे और एक अच्छे से एडिटर की हमको तलाश है जिससे कि आप लोग हमारी बात को बड़ी आसानी से समझ सकें और जिसके बैकग्राउंड में जब हमारी बात को सचित्र वर्णन किसी न किसी अथॉरिटी के द्वारा किया जाएगा तो आपको चीज़ें और भी आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो आज के लिए बेटा इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अब ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग हमसे जुड़ जाइएगा तो हम जो है अर्थमैटिक यानी कि अंकगणित पर भी काम कर रहे हैं, अंकगणित के जितने भी टॉपिक हैं उन पर भी काम कर रहे हैं। और मेरा उद्देश्य है, मेरा जो है एक प्लान है कि चीज़ों को बहुत ही आसान किया जाए आप लोगों के लिए, एक तरीके से विद्यार्थी ओरिएंटेड, स्टूडेंट ओरिएंटेड जो है वो क्लास हो जिससे कि बहुत छोटी सी चीज़ को और बहुत ही क्लिष्ट चीज़ को भी, बहुत ही कठिन चीज़ को भी, बहुत ही टफ जो है कंसेप्ट को भी आसान बना करके या एक निमोनिक फॉर्म में जो है आप लोगों के सामने पेश किया जाए और आपके दिमाग में वो हमेशा हमेशा के लिए सेट हो जाए। तो हम लोग इस पे काम करेंगे, हम और आप साथ मिलकर के काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप लोग हमसे अब जुड़ जाइएगा, मन लगा करके आ जाइएगा हमारे चैनल पे। आप लोग जितने लोग आएंगे, सुझाव देंगे, हम और भी अच्छा करेंगे। और हम सिलेबस पे जो है काम करने वाले व्यक्ति हैं और सिलेबस पे ही काम करते हैं हम। फिर पर्टिकुलर जो री एग्ज़ाम है वो आप लोगों का, उसकी डेट वगैरह कभी भी आ सकती है। आप लोग तैयारी इतनी बेहतर करिए कि नॉट ओनली सिंगल एग्ज़ाम, जब आपकी बेहतर तैयारी होगी तो बंडे एग्ज़ाम जितने भी हैं बेटा वो एक साथ निकलते हैं कि तू ना सही कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही। तो इसकी चिंता लेने की ज़रूरत नहीं दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, और हमारे चैनल पे आप लोग आ जाएं, हमारी यही रिक्वेस्ट है आपसे, और चीज़ें बहुत बेहतर होंगी, बहुत अच्छी होंगी। तो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।